आज हम मेज रनर मूवी की पार्ट 1 को लेकर विस्तार में आलोचना करेंगे। मूवी के शुरू में एक टीनेजर लड़का को एक लिफ्ट के अंदर दिखाया जाता है जिसकी सब पास्ट मेमोरी गायब है। जब वो लिफ्ट ऊपर जाता है तब कुछ लड़के उसे वेलकम करते हैं, तो वो लड़का उठ के देखता है वो जगह चारों तरफ से पत्थर से घिरा हुआ है और इस जगह का नाम है ग्लेड, और वहाँ जो लोग रहते हैं उन लोगों को ग्लेडर्स कहते हैं। उस जगह उन लड़कों के जो ग्रुप है उन ग्रुप्स के अंदर हर किसी को अलग अलग काम बांटा गया है। वहाँ का जो लीडर था वो इस नए लड़के को कहता है कि हर किसी को धीरे धीरे अपना नाम याद आ जाता है पर पास्ट याद नहीं आता है। फिर उस लड़के को पता चलता है कि इस पत्थर के अंदर जो मेज है वही यहाँ से निकलने की एकमात्र उपाय है। दिन के वक्त दो रनर उस मेज के अंदर जाके बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और अंधेरा होने से पहले वापस चले आते हैं, क्योंकि शाम होते ही उस मेज का दरवाजा बंद हो जाता है। एक दिन गैली के साथ लड़ाई करते वक्त उस नए लड़के को अपना नाम याद आ जाता है जो कि थॉमस है। फिर एक दिन बेन नाम के एक लड़के को एक ज़ॉम्बी काट लेते हैं, और ज़ॉम्बी अगर किसी को काट लेता है तो उसे मेज के अंदर डाल के मरने के लिए मजबूर किया जाता है, और यही वहाँ का परंपरा है क्योंकि ज़ॉम्बी के पॉइजन का कोई इलाज नहीं है। दूसरे दिन एल्बी और मिनो मेज के अंदर जाता है, पर वापस आने के वक्त मिनो एल्बी को घसीटते हुए ले आ रहा होता है क्योंकि उसे अंदर ग्रीवर नाम का एक बायोलॉजिकल एनिमल ने काट लिया था। मेज के दरवाजा बंद होने ही वाला था परंतु वो लोग तब भी गेट से बहुत दूर थे, तो थॉमस हेल्प करने के लिए अंदर चला जाता है और तीनों फंस जाते हैं, और उसके अंदर पूरी रात तीनों मिलके ग्रेवर से लड़ते रहे और सुबह तीनों बच के वापस भी आए। अगली सुबह एक लड़की वहाँ पर आती है और सरप्राइजिंगली वो थॉमस को पहचानती है, हालांकि थॉमस उसे पहचान नहीं पाता है। उसके बाद थॉमस और कुछ लड़के उस मेज के अंदर जाते हैं उस मरा हुआ ग्रेवर्स के अंदर से एक डिवाइस लाने के लिए, और उसके बाद थॉमस को नया रनर बना दिया जाता है। मिनो थॉमस को मेज का एक ब्लूप्रिंट दिखाता है जो कि अभी तक उन लोगों को पता चला है, और बताता है कि मेज के अंदर बहुत सारा सेक्शन है और ये डिवाइस जो कि ग्रेवर्स के अंदर मिला है उससे शायद किसी एक सेक्शन का गेट खोला जा सकता है। थेरेसा नाम की उस नई लड़की के पास दो सिरिंज होते हैं जिनमें से एक को यूज करके एल्बी को ग्रेवर्स के पॉइजन से बचाया गया है। मिनो और थॉमस फिर से उस मेज के अंदर जाते हैं उस डिवाइस को लेकर ताकि बाहर जाने का रास्ता मिल सके। असल में जब मेज का मेन दरवाजा बंद हो जाता है तब मेज के अंदर ग्रेवर्स को खोल दिया जाता है, पर एक दिन ग्रेवर्स को खोलने के बाद भी मेज के मेन दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, तब ग्रेवर्स मेज से बाहर आके ग्लाइडर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। गैली थॉमस को पहले से ही पसंद नहीं करता था, तो वो आता है और इस सब के लिए थॉमस को दोषी बताता है। उसके बाद थॉमस को कुछ कुछ पास्ट की बातें याद आ रहा था पर वो साफ नहीं था, तो एक इंजेक्शन जो थेरेसा के पास था वो खुद को इंजेक्ट कर देता है, और फिर उसे कुछ फ्लैशेस दिखता है कि वो और थेरेसा इस मेज को बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करता था, पर उन लोगों को एक टेस्ट सब्जेक्ट बना के यहाँ पर भेजा गया है जो कि उन लोगों को मालूम नहीं था। जब थॉमस होश में आता है तो सबको सारा सच बता देता है, और इसके बाद गैली कमांड को अपने हाथ में लेता है और थॉमस और थेरेसा को मार के वहाँ पर शांति कायम करना चाहता है, परंतु कुछ ग्लाइडर्स उन लोगों को बचा लेते हैं और एक साथ मेज के अंदर चले जाते हैं रास्ता ढूंढने के लिए, और इधर गैली और बाकी के कुछ लोग वहीं पर रह जाते हैं। दूसरी तरफ थॉमस और बाकी के ग्लाइडर्स मेज के अंदर जाके कुछ ग्रेवर्स से लड़ते हैं और इस लड़ाई में कुछ ग्लाइडर्स मर जाते हैं। फिर वो लोग उस डिवाइस की मदद से एक दरवाजा ओपन करके एक लैब के अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा लाश पड़ा हुआ था। वहाँ पर उन लोगों को एक लेडी डॉक्टर के वीडियो देख के पता चलता है कि इस दुनिया में एक भयानक वायरस अटैक हुआ है और ग्लाइडर्स के ऊपर टेस्ट करके क्योर ढूंढने की कोशिश किया जा रहा था। फिर उस वीडियो में वो लेडी डॉक्टर खुद को शूट कर देती है क्योंकि कुछ लोग उस लैब में अटैक कर चुके थे। तभी अचानक से वहाँ पर गैली आ जाता है जिसको एक ग्रीवर ने काट लिया था, और वो थॉमस के ऊपर बंदूक ताक के बोलता है कि उन लोगों को मेज के अंदर ही रहना चाहिए। तभी कोई गैली को एक भाला फेंक के मार देता है। फिर
फिर कुछ सोल्जर्स वहाँ पर आके उन लोगों को रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर में बिठा के वहाँ से ले जाते हैं। और लास्ट सीन में फिर से वो लेडी डॉक्टर दिखती है एक मीटिंग रूम में, जहाँ पर वो बाकी के साइंटिस्ट से कहती है कि एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है और अभी मेज के सर्वाइवर्स फेज 2 में एंटर करने वाले हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्लेन क्रश की वजह से एक इंसान एक सुनसान आइलैंड पर गिरने के बाद कैसे सर्वाइव करता है, तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।